हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको कक्षा 10 में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्नावली है, इसमें से केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ये प्रश्नावली है, जिसमें से कल के वीडियो में हमने आपको दो क्वेश्चन केवल करवाए थे। थोड़ा वहां पर समय का अभाव था तो केवल दो क्वेश्चन करवाए थे, उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे और दो क्वेश्चन करवाए थे, और बस उसी के आगे आज आपको पढ़ना है। बिल्कुल वही मानो वही वीडियो है, ठीक है। तो उसी को आगे आपको बढ़ाना है और पूरा देखना है आपको अंत तक, जिससे कि आपके एक भी प्रश्न मिस ना हो और एक एक करके प्रश्न आपको हम बताएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और देखते हैं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए, यहां पर बहुत से लड़के कंफ्यूज इस बात में हो जाते हैं कि यहां पर यह लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, मतलब जितने पृष्ठ हैं उन सभी को जोड़ना है, तब हम ये कहेंगे कि ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले इसका एक डायग्राम बना देते हैं। एक खिलौने को इस प्रकार से बनाना है कि ये शंकु के आकार का हो जाए, देखो ध्यान दें, और इसके ऊपर देखो क्या कहा गया है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। देखो ये आपका एक आधा गोला, ये इस तरीके से, ठीक, और ये आपका आधा गोला हो गया, और इसी आधे गोले के ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित कर दें यू इस तरीके से, ठीक है। उसी त्रिज्या का, ये नहीं है कि छोटी त्रिज्या का बना दें, कोई छोटा सा यहां पर शंकु बना दें, नहीं, इसी त्रिज्या के बराबर आपको बनाना है। जो इसकी त्रिज्या है वही आपकी त्रिज्या लेनी है इस शंकु की। तो इस तरीके से ये देखो शंकु के ऊपर हमने अर्ध गोले के ऊपर हमने शंकु को अध्यारोपित कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से यहां तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई ये कहलाएगी। ये कितनी है? ये है 15.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? इसके बाद देखो एक बात और ऊपर दी गई, थोड़ा इस पर ध्यान दें। खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु, देखो ये शंकु है, उसकी त्रिज्या दी गई है 3.5, यहां से यहां तक ये 3.5 है ना। अगर ये यहां से यहां तक 3.5 है, देखो ये भी आपकी 3.5 हो जाएगी, पक्की बात, क्योंकि त्रिज्या है ना, तो ये भी आपकी 3.5 हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा ओरिजिनलिटी लगने लगे, यहां से इसको हम इस तरीके से बना लें, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान दें कि ये टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5, इसमें से ये 3.5 को कम कर दें तो ये शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। देखो ये आपकी शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, ये कितनी हो जाएगी, 15.5 में से 3.5 कम कर दें तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? शंकु की ऊंचाई ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो 3.5 ये और 12 ये टोटल जोड़ोगे तो खिलौने की टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना क्लियर? अब आपसे कहा गया है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब जो आकृति हमें दिखाई दे रही है खिलौना की, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मानी। देखो ध्यान दें, इस शंकु का वक्रपृष्ठ निकालें और इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालें, बस दोनों को जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ मानी सभी पृष्ठों का योग, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला नहीं लगाना है, मतलब इसका पृष्ठ मानी इसका वक्रपृष्ठ और इसका पृष्ठ मानी इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर लिखें, देखो कैसे लिखोगे, यहां पर लिख दें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखोगे, आपको लिखना है अर्धगोले का पृष्ठ, पृष्ठ या वक्रपृष्ठ एक ही बात है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो एक बात और समझनी है, क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल,
अभी एल अवे आपको यहां पर दी नहीं गई, तो हम ज्ञात कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले यहां इसको देख लें, अर्ध गोले का पृष्ठ बराबर पूरे गोले का तो 4πr² होता है, आधे गोले का करना तो क्या हो जाएगा 2πr, पूरे गोले का कितना होता है 4πr², आधे गोले का 2πr², ठीक है। प्लस शंकु का बकपृष्ठ होता है पाई आर एल, जबकि एल अभी हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहां देखो हम एल आपको यहां कैलकुलेट कर देते हैं, एल मानी क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो ये तिरछी ऊंचाई देखो अगर हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो अभी निकल आएगी, कैसे देखो ध्यान दें, यहां पर एल वर्ग बराबर लिख दें एच वर्ग प्लस आर वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब इसका कितना है 12 सेंटीमीटर तो यहां पर लिख दें 12 का वर्ग, और आधार है 3.5, 3.5 का मतलब समझते हो 3.5 लिख दें, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2, 3.5 मानी 7/2 और इसका स्क्वायर, और आगे देखो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7×7=49 और 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 4, और इसको आगे कैलकुलेट करोगे देखो 4 एलसीएम लिए और 4 × 16 और 1 × 17 और 4×1=4 और 1 × 5=576 प्लस में 49, ठीक है। तो यहां बराबर लिख दें देखो इसका योग करेंगे ऊपर वाले का तो 625 हो जाएगा और बटे में क्या लिखें 4, बस वर्गमूल और ले लें तो L बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25 होता है और 4 का वर्गमूल 2, और यहां पर देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 25 को तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया, ये आपका एल हो गया, एल मानी इसकी ये तिर्यक ऊंचाई निकल आई। चलिए यहां पर देखो ये हमने पहले से रख रखा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है हमने अर्ध गोले का पृष्ठ और ये शंकु का पृष्ठ, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो अर्ध गोले का पृष्ठ बराबर होता है 2πr² और शंकु का पृष्ठ बराबर पाई आर एल, बस यहां से इस पर आर और एल के मान रखना है, बस हो जाएगा काम। देखिए इसको कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो, पाई आर अगर कॉमन ले लें यहां पर और इसके बाद यहां पर बचेगा 2r और प्लस यहां पर बचेगा l, ठीक है, बस अब रख दें देखो पाई का मान कितना रख दें 22/7, r का मान 3.5 रख दें, फिर 2×3.5 रख दें प्लस l का मान कितना रख दें 12.5, ठीक, क्लियर है। ये इसको इससे काट दें देखो 7×35.5 बार कट गया और 22×110 होता है तो 110 पे एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे कितना हो जाएगा 11 इंटू यहां पर देखो 35×2=70 होता है मानी 7 ये बचेगा और 12.5 ये बचेगा, तो यहां पर देखो हम करके दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा बराबर में 11×, इसका इसमें योग करोगे कितना हो जाएगा 12×7=19.5, ठीक, 11 का गुणा कर दें बस हो जाएगा आंसर 11×55=5, 11×99 और 5 जोड़ोगे 104 हासिल लगा 10 और 11×11 और 10=21 और एक अंक के बाद यहां पर दशमलव लगाना है, इतने वर्ग सेंटीमीटर कितना लिखना है 214.5 वर्ग सेंटीमीटर इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से देखो फिर एक बार समझ लें, यहां पर जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों में दो आकृतियों की संयोजन से संबंधित सवाल हैं, हर एक प्रश्न में आपके दो ठोसों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया, ऐसे समझने बात, ठीक है ना। यहां पर देखो एक अर्धगोला है और एक शंकु है और सभी प्रश्नों में इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों में पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आपको हर प्रश्न में यही करना है, जौन जौन सी आकृतियों को जोड़ा गया है बस उनका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के बस जोड़ देना है, बस सब में यही करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। तो यहां पर देखो पहले हमने क्या लिखा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस दोनों के यहां पर फॉर्मूले रख लिए और इनके मान रख दिए, बस एल की वैल्यू यहां दी नहीं गई थी तो एल की वैल्यू हमने देखो कैलकुलेट कर ली, बस रख दिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। बहुत सावधानी से करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो यहां पर ये घन की बात करें तो घन जो होता है वो आपको पता है उसकी सभी भुजाएं सभी कोरें बराबर बराबर होती हैं,
तो यहां पर चूंकि घन एक ऐसी आकृति है जिसका हम वास्तव में यहां पर फिगर ट्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो थ्री डायमेंशनल फिगर है ना, त्रिविमीय चित्र है ना। तो ये वास्तव में ऐसे समझे कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर बराबर हो, तो अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखो इस तरीके से ये आपका एक कोई घनाकार डिब्बा हो गया। वास्तव में देखो ये आपका कोई क्या हो गया, घनाकार डिब्बा हो गया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर बराबर है तो ये घन की आकृति हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या किया गया है कि इसके ऊपर वाले या साइड वाले किसी एक पृष्ठ पर एक अर्धगोले को इस तरीके से रख दिया गया है। देखो ध्यान दें, ये इसका ऊपर वाला बॉटम होगा। ये हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर वाले बॉटम पर यूं ऐसे करके एक कोई अर्धगोला रख दिया गया, उल्टा करके यूं ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में शायद ना आए, देखो यहां पर अलग से बना के बताया। ये हम मान लेते हैं कि एक ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला बॉटम, और उस बॉटम पे क्या किया गया है, ये गोला, आधा गोला इस तरीके से रख दिया गया। मान लो इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक। ये जब आधा गोला यूं ऐसे उल्टा करके रख दिया जाएगा, ऐसे माने कि ये एक कोई आधा गोला है, वैसे है तो ये दीपक, हम इसको आधा गोला माने और इस तरीके से यहां पे इसको रख दें, तो ये कोने कोने देखो चारों तरफ छूट जाएंगे, है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, बस केवल इसकी बात है, बाकी पांचों पृष्ठों का तो क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजाभर, और पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर पांच गुणा भुजाभर। बस केवल जो एक पृष्ठ ये रह जाएगा जिस पर की अर्ध गोला रखा गया है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा। देखिए छोटा गोला है, ऐसा नहीं है कि छोटा से छोटा गोला रखा है, बड़े से बड़ा गोला रखा गया है, और वो ज्यादा से ज्यादा गोला इस प्रकार रख सकते हो कि ये 7 सेंटीमीटर भुजा का ये घन है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो इस गोला जो आधा गोला इसके ऊपर रखा जाएगा उसका व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो केवल हम इसी पृष्ठ पर जिस पर हमने गोला रखा है केवल उस पृष्ठ को समझाना चाह रहे, बाकी और कोई नहीं, वो तो सब सही है, बाकी समझ जाओगे आप। यहां पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करोगे, देखो पूरे का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हो, भुजा वर्ग होगा, वर्गाकार पृष्ठ है ना, तो इसका भुजा वर्ग हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में ये देखो इतना हमने जब ऊपर इसके रख दिया तो ये गोला जो अर्ध गोला बना उसका पृष्ठ निकालोगे, और पूरे वर्गाकार पृष्ठ में से इस वृत्ताकार पृष्ठ को घटा दें तो ये कोने कोने बचेंगे, उनका पृष्ठ निकल आएगा, समझ रहे बात। और इसके बाद ये आधे गोले का पृष्ठ और ये कोनों का पृष्ठ को आपको जोड़ देना है, बस समझो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा, और पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, पांच गुणा भुजा हो जाएगा। तो ये यहां पर हम आपको बताएं, देखो ध्यान दें इस पर, यह लिख दें, यदि 7 सेंटीमीटर भुजा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त रखा जाए तो उस का अधिकतम व्यास, उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा कितना, देखो 7 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको लिखना है पृष्ठी क्षेत्रफल, क्या लिखा है, बने ठोस का, माने लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको देखो हमने बताया पांच फलकों का तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर देखो एक फलक का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग होगा, पांच फलकों का निकालना है तो पांच गुणा भुजा वर्ग लिख दें, और भुजा आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, देखो चलिए उसको बाद में लिख देंगे 7, तो पांच गुणा भुजा वर्ग तो पांच फलकों का क्षेत्रफल हो गया, प्लस अब इस फलक की बात करें जिस पर ये आधा गोला हमने उल्टा करके रखा है उसकी बात करें, तो अब हमें क्या करना है, देखो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, इसके वर्ग के ये वृत्ताकार पृष्ठ इसमें से घटा दें, तो कोने जो बचे हैं उनका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो क्या लिख दें यहां पर,
कोनों पर, मनी यहां लिख दें कोनों पर बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखें यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त, अर्ध अर्धगोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बस अब देखो यहां पर आपको पूरा पूरा लिखना है। देखो पांच गुणे भुजावर्ग, भुजावर्ग मानी सात है ना भुजा इसकी, तो सात का वर्ग लिख दें, और प्लस कोने पर बचे भाग जो वो कैसे निकालोगे, हमने बताया आपको सबसे पहले आपको निकालना है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजावर्ग मानी सात का वर्ग लिख दें, और उसमें से घटा देना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मानी पाई आर का मान कितना लिख दें, सात बटे दो का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, प्लस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और लिख दें, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, पूरे का फोर पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लें, रियल में आपका पूरा पूरा हल हो जाएगा। देखिए पांच गुणे सात सत्ते उनचास प्लस, यहां पर देखो इसको क्या करेंगे, सात सत्ते उनचास और ये ब्रैकेट अब ना लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, माइनस पाई का मान रख दें बाईस बटे सात गुणे सात बटे दो गुणे सात बटे दो, वर्ग है ना, तो सात बटे दो गुणे सात बटे दो प्लस दो गुणे पाई का मान रख दें बाईस बटे सात, और गुणे में यहां पर लिख दें सात गुणे, देखो त्रिज्या कितनी है, सात बटे दो है ना, तो लिख दें सात बटे दो गुणे सात बटे दो, ठीक, क्लियर इतना हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर लें, देखो दो से दो कट जाएगा, सात से एक सात कैंसिल हो जाएगा, और दो से ये कट जाएगा कितने बार, ग्यारह बार, यहां पर देखो एक सात से सात कट जाएगा, दो से ये ग्यारह बार कट जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको लिखना है पांच गुणे उनचास और ये एक उनचास ये लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा छह गुणे उनचास, या फिर गुणा कर लें, पांच का नौ में गुणा, नौ पंचे पैंतालीस की पांच हासिल चार, और पांच चौको बीस और चार चौबीस, और प्लस उनचास आपका ये रखा है, इसको जोड़ देंगे, और माइनस आगे आओ, ये लिखा है ग्यारह सत्ते सत्तर बटे दो लिख दें, सत्तर बटे दो लिख दें, और इसके आगे क्या है, प्लस ग्यारह सत्ते सत्तर, ये आगे वाला हो जाएगा सत्तर केवल, ठीक है ना। बस हो गया काम, इसको हल कर लें, देखो पहले तो इसको जोड़ दें, ये हो जाएगा देखो सात सात और नौ सोलह, सोलह में पांच जोड़ेंगे इक्कीस, और हासिल दो, इसमें दो जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा, नौ और चार तेरह, नौ चार तेरह और चार सत्रह, हासिल एक और दो तीन, तीन सौ इकहत्तर माइनस में लिखना है सत्तर बटे दो, ठीक हो गया काम, इसको हल कर लें। देखो दो एलसीएम आ जाएगा, और दो एकम दो, दो सत्य चौदह और दो तीन छः और एक सात, और माइनस का सत्तर, और ये दो देखो बटे में कर लेंगे, तो पहले तो सबसे पहले बारह में से सात कम कर दें तो क्या बचेगा, पांच, और ये आपका तेरह, तेरह में से हो जाएगा सात कम तो छः बचेगा, और ये आपके पास छः सौ पैंसठ बटे में क्या लिख दें दो, ठीक है। बस दो से डिवाइड कर दें तो दो तीन छः, दो तीन छः और दो से इसको करेंगे, दो दूनी चार और दो पंचे दस, कितना हो गया आपका, ये हो गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में, क्लियर, कोई डाउट नहीं। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, और वास्तव में यहां पर जो भी ये आकृतियों के संयोजन वाले सवाल हैं उनको बहुत समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तभी इनका आपको हल मिल पाएगा। अगर आपने थोड़ा भी जल्दबाजी कर दी तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लें, यहां पर देखो इस तरीके से कोई घन है, इसकी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, सात सेंटीमीटर, ठीक है, और इनके एक पृष्ठ पर आधा गोला रख दिया गया है, ठीक है। तो पांच पृष्ठ तो जैसे के तैसे हैं, ज्यों का त्यों, तो पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पांच गुणे भुजा। एक पृष्ठ जिस पर गोला रखा है उसको केवल समझना, मान लो इस पृष्ठ पर हमारा एक आधा गोला रख दिया गया, तो इस आधे गोले पे क्या हुआ कि आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो हमें तो सबसे पहले ये ऊपर आधा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल आपका वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति के ऊपर जब ये गोला आधा गोला रख जाएगा तो ये कोने बचेंगे, देखो ये कोने,
तो इन कोने का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? कोने का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, उस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये कोने कोने बचे उनका क्षेत्रफल निकल आएगा। वो आधे वृत्त अर्धवृत्ताकार जो ठोस है, ये आपका गोला है, उसका पृष्ठ जोड़ दें, बस काम हो जाएगा। देखो हमने क्या किया है, यहां पर पांच गुणे भुजा वर्ग, माने ये तो पांच फलकों का क्षेत्रफल हो गया। फिर कोने पर बचे शेष भाग का पृष्ठी क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठी क्षेत्रफल, तो ये तो हो गया पांच गुणे भुजा वर्ग, भुजाएं सात, तो सात का वर्ग लिख दिया। अब कोने वाली बात, इसको समझने वाली बात है, हमने क्या किया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो भुजा वर्ग होता है, भुजा कितनी है सात, तो सात का वर्ग लिख दिया। और माइनस अर्ध गोले का पृष्ठी क्षेत्रफल, ये आपको सॉरी, फिर इसमें से हमने ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया, तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपको लिखना है पाई गुणे आर बराबर है सात बटे दो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कोने कोने का क्षेत्रफल निकल आएगा, ये आपका कोनों का क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद ये आधा गोला है, आधे गोले का पृष्ठी क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बस इसमें आपको कैलकुलेट करके इसकी मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए थोड़ा मिलता जुलता है सवाल, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, वो उसमें और इसमें थोड़ी सी फर्क है। क्या उसमें वास्तव में एक घनाकार ब्लॉक था और उस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक पर एक अर्ध वृत्ताकार अर्ध गेंद के आकार का उस पर, ये जैसे हम चित्र से बताएं इस तरीके से, ये हमारा कोई अर्ध, ये आपका घनाकार ब्लॉक है ये, ठीक है, यही तो था। और यहां पर इस अर्ध एक फलक पर आधा गोला ये ऐसे रख दिया गया था, और अब की बार ये ऐसे ना रख के क्या किया गया, इसमें अंदर अर्धगोला, जैसे हम इस तरीके से कुछ समझाएं, जैसे ये हमारा कोई एक फलक है ये, ठीक, इसी को केवल देखना है, पूरे को नहीं देखना है, क्योंकि ये आपका जो आकृति दिख रही है वो घन आकृति नहीं है, घनाभ की आकृति है। तो इस फलक को आपको देखना है, इस फलक के ऊपर अब पहले प्रश्न में क्या था कि एक आधा गेंद ऊपर इस पर रख दिया गया था, और अब एक आधे गेंद को उल्टा करके यूं ऐसे लगा दिया, तो ये अब छेद हो जाएगा इसके अंदर, है ना, ये अंदर इसके एक आधा गोला रख दिया गया है, तो जो आकृति हमारी बनी है वो शेष आकृति बची, मतलब इसके अंदर जो अर्ध गोलाकार गड्ढा कर दिया गया है, तो इसके बाद जो आकृति बची है उसका हमें पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ रही, तो देखिए समझे बात ध्यान से, पांच फलकों पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पांच पृष्ठों का तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे। एक छठवां पृष्ठ है जिस पर कि अर्धवृत्ताकार अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है, उस पृष्ठ की केवल बात समझनी है, बस और कुछ बात नहीं है। जैसे हम पहले भी हमने बताया था कि जब ऊपर इसके यूं इस तरीके से गोला रख दिया गया था, अब की बार इसमें गड्ढा कर दिया गया है, तो इस तरीके से देखो गड्ढा कर दिया गया है ये वाला, है ना ये, और बस अब इसका टोटल जो पृष्ठी क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पांच फलकों का क्षेत्रफल प्लस इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आपको इन किनारों वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और प्लस इसके बाद ये आधा गोला है जो उसका पृष्ठी क्षेत्रफल। यहां पर बच्चे कुछ गलती इस प्रकार करते हैं, यहां पर लिखा है शेष ठोस का पृष्ठी क्षेत्रफल, तो ये अर्ध गोले का पृष्ठ का घटा देते हैं, घटाना नहीं है क्योंकि यहां पर हमें सारे पृष्ठों का जोड़ करना है, मानी योग करना है ना। बस देखिए हम यहां पर आपको बताएं, देखो एक बात और है उस प्रश्न और इस प्रश्न में, यहां पर जो घनाकार ब्लॉक है उसकी ये भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, और उस प्रश्न में ये भुजा की लंबाई दी गई थी, तो हम यहां पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, माने कि घनाकार ब्लॉक के एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं एल है। देखो ध्यान से समझें, यहां पर लिख दें, माना घनाकार ब्लॉक के एक फलक की लंबाई बराबर मान लें एल, ठीक है, एक फलक की लंबाई एल है, तो अब जो पांच फलक हैं उन पांचों फलकों का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो यहां पर लिख दें पांच फलकों का क्षेत्रफल, पहले हम पांच फलकों की क्षेत्रफल की बात कर लें,
तो पांच फलकों का क्षेत्रफल बराबर, देखो फॉर्मूला तो होता है कि कितना भुजावर्ग, क्योंकि वर्गाकार फलक होते हैं ना इसके, तो भुजावर्ग लिखेंगे और पांच गुणे भुजावर्ग लिख दें क्योंकि पांच फलक हैं, तो पांच गुणे भुजावर्ग, और भुजा हमने कितनी मानी है, भुजा हमने एल मान ली है, तो पांच गुणे एल स्क्वायर हो जाएगा आपके पांच फलकों का क्षेत्रफल इतने वर्ग इकाई, क्या यहां लिखना है वर्ग इकाई, ठीक है इतना समझ में आ रहा। इसके बाद अब दारोमदार है इस फलक पर, तो इस फलक का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, देखो ध्यान से समझना है, पहले हम पूरे वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल निकालें और इस वृत्ताकार भाग को घटा दें, तो ये कोने जो बचे हैं उनका क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर इसके बाद गड्ढे का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें, बस हो जाएगा काम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो छठवां जो फलक है जिस पर कि अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया, उस यहां पर लिख दें उस फलक का क्षेत्रफल जिसमें अर्ध गोलीय गड्ढा किया गया है का क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पहले लिखेंगे वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये टोटल ये वर्गाकार है ना, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल घटा दें, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और फिर क्या करें प्लस जो अर्धगोलाकार गड्ढा बना है उसका क्षेत्रफल जोड़ना है, फिर लिखेंगे अर्ध गोलीय गड्ढे का क्षेत्रफल, अर्ध गोलीय गड्ढे का क्षेत्रफल, बस हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको इस फलक का क्षेत्रफल बस निकाल लेना है, और ये तो आपका पांच फलक का पहले से हो गया। तो देखिए ध्यान से समझें, वर्गाकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल तो भुजा वर्ग हो जाएगा, और भुजा आपको पता ही है कितनी हमने मान रखी है एल, ठीक है। अगर भुजा इसकी एल है तो जो आपका ये वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है उसकी त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी एल बटी दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिख देंगे भुजा वर्ग, और भुजा है एल तो आपको एल वर्ग लिख देना है, फिर ये माइनस का निशान लगाएं। अब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणे आर की वैल्यू लिख दें एल बटी दो और इसका स्क्वायर, और प्लस अब क्या करना है अर्धगोली गड्ढे का क्षेत्रफल, तो अर्धगोली गड्ढे का क्षेत्रफल पूरा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का लिखना है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख दें, 2 पाई आर, और आर बराबर क्या है एल बटी दो और इस पर स्क्वायर, बोलो भाई क्लियर हो रहा काम। तो बराबर में आपको लिखना है एल स्क्वायर माइनस पाई इंटू एल स्क्वायर बटे में 4 लिखना है, प्लस 2 पाई इंटू एल स्क्वायर बटे में 4 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर तो ये ठीक है, 2 पाई एल स्क्वायर बटे 4 और 1 पाई एल स्क्वायर बटे 4, तो यहां से इसको घटा दोगे तो प्लस का 1 बचेगा, कितना पाई एल स्क्वायर बटे 4, बोलो ठीक है। तो यहां पर इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, चलो इसको फिलहाल ऐसे ही रखा रहने, और यहां लिख दें वर्ग इकाई, इतना क्लियर हो रहा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, चलिए यहां पर हम लिख के आपको बता देते हैं, यहां पर अब आपको टोटल जो आकृति शेष बची है उसका पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहां पर लिख दें शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शेष आकृति बची उसका पृष्ठी क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, पांच फलकों का क्षेत्रफल लिख दें यहां पर, चलिए हम सीधा सीधा जोड़ के लिख देते हैं। तो पांच फलकों का पृष्ठी क्षेत्रफल तो आपका ये है 5 इंटू एल स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद जो एक फलक है इसका क्षेत्रफल ये हमने निकाल रखा है, ये देखो ठीक है ना, कितना एल स्क्वायर और प्लस में पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर बटे में 4, दोनों जगह से एल स्क्वायर आप कॉमन ले लें, तो अब ये हो जाएगा 6 प्लस पाई बटे 4, ठीक है। तो 6 चौको 24
और 24 प्लस पाई लिख दें, तो देखो एल स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखेंगे 24 प्लस में पाई और बटे में क्या लिखें 4, ठीक, इतना आगे लिखेंगे वर्ग इकाई। बोलो भाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आ रहा समझ में सब कुछ? फिर से आप एक बार फिर से समझ लें, हमने सबसे पहले पांच फलकों का क्षेत्रफल निकाला, ये हो गया पांच फलकों का क्षेत्रफल। एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, और पांच फलकों का क्षेत्रफल 5 × भुजा वर्ग मानी 5 × L², क्योंकि हमने L इसकी भुजा की लंबाई मान ली है, घन की भुजा की लंबाई कितनी मान ली, L मान ली, तो पांच फलकों का क्षेत्रफल ये हो गया। अब एक फलक ये रह गया जिस पर ये गड्ढा किया गया है, तो उस फलक का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से ये वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो ये चारों कोने जो बचे हैं उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, और इसके बाद जो गड्ढा बना है उसका क्षेत्रफल जोड़ दें, बस हो जाएगा काम। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या लिखा है, उस फलक का क्षेत्रफल जिसमें अर्ध गोली गड्ढा किया गया है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मानी पूरे का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल मानी ये देखो इतना भाग है उसका क्षेत्रफल, घटा दें उसमें से तो कोने कोने बचे उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्लस अर्धगोली भाग जो गड्ढा किया गया उसका क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो बस वही काम हमने किया है, अर्धगोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि भुजा एल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग मानी एल वर्ग हो जाएगा, और माइनस अर्ध वृत्ताकार जो ये सॉरी वृत्ताकार ये भाग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर बराबर कितना हो जाएगा एल बटे दो, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू एल बटे दो का स्क्वायर, प्लस जो अर्धवृत्ताकार गड्ढा किया गया उसको हमने जोड़ना है, तो अर्धवृत्ताकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 πr² का आधा, आधा है ना ये गड्ढा आपका, तो 2 πr², तो 2 π और आर का मान एल बटे दो का स्क्वायर, ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करना है तो एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बटे चार, और यहां पर देखो 2 π और एल स्क्वायर बटे चार, तो 2 π एल स्क्वायर बटे चार में से 1 π एल स्क्वायर बटे चार घटा देंगे तो प्लस का बचेगा पाई एल स्क्वायर बटे चार, और ये आपका ज्यों का त्यों। तो इस फलक का जो आपका ये गड्ढा बनाया गया उस फलक का क्षेत्रफल इतना हो गया, और पांच फलकों का क्षेत्रफल ये है, बस दोनों को जोड़ दें तो शेष आकृति बची उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, और होता भी है आपने देखा होगा कैप्सूल किस तरीके के, ये देखो इस तरीके से इसका, और ये सिरों पर क्या है, सवाल में लिखा है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला लगे हुए, ये देखो आधा गोला इधर से ऐसे, आधा गोला इधर से ऐसे, इस तरीके, ठीक है ना, और यहां पर इसकी टोटल लंबाई यहां से यहां तक दी गई है कितनी, 14 मिलीमीटर इसकी लंबाई दी गई है, समझ रहे हो। इसके बाद यहां पर जो आपका ये आधा गोला लगा हुआ है इसका व्यास दिया गया है कितना, ये देखो इसका व्यास हो जाएगा, है ना, ये व्यास हो जाएगा, अगर हम कुछ इस प्रकार इसको ऐसे बना दें, देखो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका व्यास हो जाएगा टोटल यहां से यहां तक, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये व्यास कितना दिया है 5, ये टोटल यहां से यहां तक, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है, ये जो ढक्कन सा लगा है इसकी त्रिज्या कितनी है 5/2, और इसी प्रकार ये भी हम इसको भी कह सकते हैं 5/2, ठीक है, तो देखो 5/2 यहां पर है, 5/2 यहां पर है, 5/2 मानी ये 2.5 और ये 2.5 मानी 5 पूरा हो गया 5 मिलीमीटर, तो यहां पर किनारों से ये मुड़ा हुआ जो अर्ध गोली भाग है, अर्ध सिरे है ना, अर्ध गोलाकार सिरे हैं, वो 5.5 यहां पर, 2.5 यहां पर, तो 5 मिलीमीटर कम हो जाएगा, तो 14 में से अगर 5 कम कर दें तो जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकल आएगी 9 मिलीमीटर, समझ रहे हो बात, ये 2.5 इधर से कम और 2.5 इधर से कम, तो 5 कम हो गया और टोटल है 14 मिलीमीटर, और 14 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो 9 मिलीमीटर आपका ये बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकलेगी, समझ रहे बात। अब आपसे पूछा गया है कि जो कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल का बताना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये आधे जो अर्ध गोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और ये बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बस दोनों को जोड़ दें, सिंपल सी बात। तो यहां पर हम लिख देते हैं कैप्सूल का, यहां पर क्या लिख दें, यहां पर लिख दें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, दोनों अर्ध गोलीय सिरों के क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, कोई समस्या? अब देखो, ध्यान दें, दो का तो हम गुणा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आधा गोला ये है, आधा गोला ये है, तो दो गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr². ठीक, दोनों अर्ध गोली, दो का इसलिए गुणा किया क्योंकि दोनों अर्ध गोले हैं ना, तो और आधे गोले का होता है 2πr², हम ऐसे भी कह सकते हैं, आधा गोला ये, तो दोनों जोड़ देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², देखो 4πr² तो ये लिखा है, ठीक है ना, और प्लस अब यहां पे आ जाओ बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, और बेलन का आपको बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल मानी बेलन का पृष्ठ का सूत्र बताइए कितना, 2πrh, ठीक है, एच क्या लिखनी है, देखो ध्यान रहे ये 14 मत लिख देना, कितना लिखना है 9 मिलीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि बेलनाकार भाग की ये जो ऊंचाई है या ये कहें कि लंबाई है वो कितनी है 9 मिलीमीटर। इन दोनों जगह से देखो ध्यान से, आपको 2πr कॉमन ले लें तो ज्यादा सरल पड़ जाएगा, कितना 2πr दोनों जगह से कॉमन है, तो यहां से बचेगा 2 और 1r बच जाएगा, और प्लस यहां से 1h बच जाएगा, ठीक है, बराबर 2π का मान फिलहाल हम पाई रख दें, बाद में रखेंगे, और r का मान आपको लिखना है 5/2, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दें 2r का मान फिर रख दें 5/2 प्लस h मानी हमने कहा बेलन की ऊंचाई रखनी है, कितनी है 9 मिलीमीटर, ठीक है, इस दो को आप कैंसिल कर दें, 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हो, और बस अब पाई का मान लिख दें 22/7 गुणा में 5 गुणा में, देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक, बस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 22 और 5 दूनी 10, 220 आगे क्या लिखना है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, mm² इतना, क्लियर हो गया, आसान सा काम है। देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों आधे गोलों का पहले अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, बेलन का अलग निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ये आपकी शॉर्ट वाली ट्रिक है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत भी आपको ज्ञात करनी है। देखिए बहुत सरल आसान प्रश्न है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, केवल आप चित्र समझ लें कि कैसे कैसे ये तंबू बनाया गया है। नीचे से तो बेलनाकार देखो है, समझे बहुत ध्यान से, आपसे कहा गया है कि एक तंबू कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि नीचे से बेलनाकार है, ठीक है, ये देखो बेलनाकार, हम एक नीचे इसका सिरा बेलनाकार बना के दिखा देते, ठीक, और इसके ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है, मानी ये इस तरीके से चोटी सी बना दी गई, ये ठीक है। सवाल में कहा गया है कि जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया है 2.1 और 4, मतलब इसमें इसकी ऊंचाई दी गई है 2.1, देखो ध्यान दें, देखो ऊंचाई कितनी है 2.1 और ये व्यास है जो 4 है, ये टोटल व्यास है वो कितना है 4, तो हम कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो ऊंचाई दी गई है कितनी 2.1 मीटर, काय की ऊंचाई बेलन की, और इसकी जो व्यास है वो 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अब एक बात और दी गई कि जो ऊपर आपका जो शंक्वाकार हिस्सा दिख रहा है उसकी त्रियक ऊंचाई दी गई है कितनी 2.8 मीटर, उसकी त्रियक ऊंचाई है, ये है एल, त्रियक ऊंचाई को क्या कहते हैं एल से, और ये है 2.8 मीटर। बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसको बनाने में जो कैनवस लगेगा वो आपसे पूछा गया है, तो कैनवस मानी, कैनवस तो समझ रहे हो,
कैनवस का मतलब जो इसमें मोटा सा त्रिपाल वाला कपड़ा लगाया जाता है उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो पूछा गया है। ठीक है, मानी इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक शर्त इसमें और प्रश्न में दी गई है, यहां पर लिखा है कि इसके आधार पर यह कपड़ा नहीं लगाया गया है, मतलब कैनवस जो बिछाया गया नीचे जमीन में नहीं बिछाया गया है, तो यहां पर तली का क्षेत्रफल आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा, इसका बकपृष्ठ काएगा, बेलन का बकपृष्ठ और ये शंकु का बकपृष्ठ, बस दोनों को जोड़ देना है। तली में चूंकि कपड़ा नहीं लगाया गया है तो उसको नहीं जोड़ना है, बस केवल बेलन का बकपृष्ठ और शंकु का बकपृष्ठ दोनों को जोड़ देना है, तो प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सही है, तो यहां पर लिख रहे तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में लगा कैनवास, ठीक, लगा कैनवस बराबर, कितना कैनवस लगेगा, कैनवस लगेगा बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ प्लस शंकु का बकपृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक, बस हो जाएगा काम। देखो बेलन का बकपृष्ठ कितना होता है, लिख दें 2πRH, ठीक है, और शंकु का बकपृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है। समझ में आ रहा, क्लियर? तो देखो यहां से आर तो देखो दोनों की समान है, जो इसकी आर है वही इसकी आर है ना, आर बराबर इसका कितना है 2 मीटर, इसका भी है 2, इसका है 2, इसका है, ऊंचाई इसकी 2.1 है, ये काहे की ऊंचाई 2.1 है, बेलन की, तो यहां पर ये देखो बेलन की एच की जगह पर 2.1 रखना है। एक काम करते हैं, यहां से सिंपली थोड़ा पाई आर कॉमन ले लें, थोड़ा सिंपल कर लें, पहले यहां कितना बचेगा 2h बचेगा, प्लस यहां कितना बचेगा l बचेगा, बस इस पर आपको क्या करना है, पाई और r का मान आपको 2 लिख देना है, ब्रैकेट लगाएं, 2 × h, h का मान 2.1 रखना है, प्लस l, l बराबर 2.8 लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा, बराबर सीधा करते हैं, पाई का मान 22/7 रख दें, इनटू में 2 लिख दें, और बस इनको दोनों को देखो पहले गुणा करेंगे, 2 × 2 और 2 × 2 = 4, मानी 4.2 प्लस 2.8, ठीक है, यहां पर कर देते हैं बराबर। देखो 22/7 गुणा 2 गुणा बस इनका दोनों का योग कर दें, बताओ कितना, 8, 2, 10, 0 और 6 और 1, 7, मानी ये 7 आपका हो गया। ठीक है, और इस 7 से 7 को आप काट दें और 22 × 2 = 44, 44 वर्ग मीटर इसमें कैनवास लगेगा। बताओ भाई, इसमें तो मेरे ख्याल से कहते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बात और पूछी गई है, उसको भी देखें, क्या पूछा गया है, साथ ही साथ आपको बताना है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी आएगी, मतलब इसको टोटल बनाने के लिए लागत मानी खर्चा कितना पड़ेगा, जबकि एक वर्ग मीटर का खर्चा है 500 रुपये, तो 44 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, बस निकल आएगा, सीधा गुणा कर दें। देखो यहां बता देते हैं, क्योंकि एक वर्ग मीटर की लागत दी गई है बराबर कितनी 500 रुपये, और आपको निकालनी है 44 वर्ग मीटर की लागत, क्योंकि इसमें 44 वर्ग मीटर कैनवास लग रहा है, 44 वर्ग मीटर की लागत बराबर कितनी लिखोगे, 500 × 44, तो 500 × 44 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहां से यूं ऐसे कर लो, ठीक है ना, 500 × 44 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 00, 5 × 20 और 5 × 20 2 = 22, 22,000 रुपए टोटल खर्च हो जाएगा इस कैनवास को, मानी इसको टेंट को, या हम ये कहें कि जो आपका तंबू है, इस तंबू को बनाने में टोटल जो खर्चा होगा वो आपका 22,000 रुपए होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बची हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ऐसे समझें कि ये आपका एक कोई बेलन है, ये देखो बेलन बना के हम आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये बेलन हो गया, और इस बेलनाकार आकृति में से क्या किया गया है, इस बेलनाकार ठोस में से एक आपका शंक्वाकार कैविटी बनाई गई है। देखो कैसे बनाई गई, उसी ऊंचाई की, जितने ऊंचाई का ये
बेलन है, उसी ऊंचाई का और उसी त्रिज्या का। ऐसा नहीं है कि छोटा सा यहां पर शंकु शंकुआकार छेद कर दिया गया, छोटी से भाग को काटा गया है, पूरी ऊंचाई यहां तक, पूरी टोटल ऊंचाई का ये शंकुआकार, ये इतना काट के फेंक दिया गया, कैप्टी बना दी गई है, ठीक है ना। ये खोल का मतलब समझ रहे हो, खोल काट लिया गया है, मतलब यहां पर ये इस तरीके से गड्ढा बना दिया गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि जो शेष आकृति बची है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहां पर पहली ये तली ऐसी थी, कैसी, वृत्ताकार। आपने देखा होगा कि कोई जो बेलन होता है, बेलन के आधार में एक वृत्त होता है, एक ऊपर भी सिरे पर वृत्त होता है, एक नीचे आधार में वृत्त होता है। तो ये जो वृत्ताकार आधार था नीचे वाला, वो वास्तव में आधार अब कैसे हो गया, शंकुआकार हो गया। ऊपर वाला तो आपका वृत्ताकार है, लेकिन नीचे वाला जो वृत्ताकार सिरा था वो शंकुआकार सिरा हो गया समझो, ठीक है ना। तो इसका जो शेष आकृति बची, देखो कितनी बची, हम यहां पर कलर्डेड कर दें, थोड़ी छायांकित कर दें, देखो इस तरीके से ये आपकी शेष आकृति इतनी तो बचेगी। इस आकृति का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, देखो समझो, पहले आपको समझना है क्या करना है, शेष आकृति जो बची उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत से बच्चे करते हैं कि हमने बताया कि शेष नाम से घटा देते हैं, कि इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दें, नहीं करना है। क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देना है, और ये तली वृत्ताकार है, चूंकि तली पे तो छेद किया नहीं गया, इस तली में छेद किया गया है, तो इस तली के क्षेत्रफल को आप यहां पर आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तली शंकुआकार हो गई है। तो यहां पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मणि बक पृष्ठ, और ये बेलन का बक पृष्ठ, और ये वृत्ताकार तली का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देना है, तो शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर लिख देते हैं, देखो ध्यान से समझें, यहां पर आपको दिया गया है इसका व्यास देखो है 1.4, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी, और ऊंचाई है 2.4, ये आपकी 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात। एक बात की समस्या है, वो थोड़ी समझ लें, क्या कि अगर हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सूत्र लगाना होता है पाई आर एल, और एल अभी है नहीं, तो ये देखो एल मनी क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई, ये इसको हम इससे मिला देते, देखो यहां पर ये 2.4 है, तो ये भी आपका 2.4 हो जाएगा, और ये त्रिज्या है 0.7, तो हम एल बराबर हम निकाल सकते हैं, एल का मान निकाल सकते हैं, मतलब त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्या कर दें, देखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी कह सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर का मान हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखो एच का मान तो हमको क्या लिखना है 2.4, और इसका स्क्वायर कर दें, प्लस आर का मान लिख दें 0.7, और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो 24 का 24 में गुणा आपको जब पता ही है कितना 576 होता है, तो 5.76 प्लस 7.49 मानी 0.49, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ दें तो 6.25, ठीक है, और इसका वर्गमूल लें तो L बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो गई। बस अब आपको यहां लिखना है ठोस, शेष ठोस का, क्या लिख दें यहां पर, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस एक आकृति और देखो ऊपर ये बची तली है, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, नीचे जो आधार में वृत्ताकार सिरा था वो आपका ये क्या बन गया, शंकु बन गया, ठीक है ना। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हमने लगाई, ये निकाल ही दिया है, तो इस सिरे को आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सिरा आपका हो गया वो आपका शंकुआकार हो गया बराबर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हो कितना होता है, 2πRh होता है ना, 2πRh लिख दें, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL, तो πRL लिख दें, और प्लस वृत्ताकार सिरा जो है उसका क्षेत्रफल आपको लिखना है πR2, क्लियर, बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दें, इसको थोड़ा यहीं से हल कर दें तो πR आप कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा 2 और h मानी 2h बचेगा, प्लस यहां l बचेगा, प्लस यहां r बचेगा, ठीक है, बराबर पाई का मान फिलहाल रख दें, पाई रख देंगे बाद में, या यहीं रख दो कोई बात नहीं, पाई का मान लिख दें 22/7, और r का मान लिख दें 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू एच, एच मानी
ये एच है इसकी, क्या लिखोगे 2.4, 2.4 प्लस बेलन की ऊंचाई 2.4 है ना, ये देखो 2.4 और एल एल इसकी त्रियक ऊंचाई जो कि हमने निकाल रखी है 2.5 और प्लस त्रिज्या आपको लिखनी है 0.7, ठीक है। बस इसको हल कर दें, हो गया काम समझो, बराबर देखो यहां कर देते हैं यहां पर, ठीक है ना, हो जाएगा एक लाइन में बराबर का निशान लगाएं, 7 से 0.7 को 0.1 बार कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 22 × 0.1 गुणा यहां पर देखो इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा 24 × 2 = 48, 4.8 क्या हो जाएगा 4.8 प्लस इसमें इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा देखो 25 × 7 = 32 होता मानी 3.2, ठीक है। अब बराबर में 22 × 0.1 × इनको दोनों जोड़ो 8 × 2 = 10, 7 × 1 = 8 मानी 8, ठीक है ना, 8 ही हो गया। अब बस 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 17 मानी 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो गया शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर प्रश्न में थोड़ा ऐसे कहा गया है कि ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए, तो यहां बताओ 17.6 का निकटतम मान कितना होगा 18। यहां पर अगर हम 5 से बड़ी संख्या होती है तो लगभग आगे की ओर मानते हैं, और अगर पीछे थोड़ा होता जैसे मान लो 17.4 होता तो 17.4 अगर 4 होता तो केवल 17 मानते हैं हम इसको, है ना, निकटतम अगर पूछा जाए तो यहां पर लगभग हमें लिखना है कितना 18 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट। तो इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट। नमा देखें तो देखिए एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यहां पर प्रश्न में यह आकृति बनी हुई है तो देखो समझो बहुत ध्यान से, ये टोटल बेलनाकार आकृति है, इसकी ऊंचाई तो दी गई है 10 सेंटीमीटर और एक यहां पर आपको अर्ध गोलाकार गड्ढा कर दिया गया है और एक ऊपर से भी अर्ध गोलाकार गड्ढा कर दिया गया है, जो शेष आकृति बची वो आपकी देखो इतनी आकृति ये बचेगी, ठीक है ना, ये यहां पर गड्ढा हो गया, एक ऊपर गड्ढा हो गया, तो ये आपका जो पृष्ठ बचा, ये आपका जो बचा है आकृति शेष बची है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेना है और इसके बाद दोनों अर्धगोली गड्ढों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है और बस दोनों को जोड़ देना है। देखिए कभी भी आपको, हमने आपके 2-3 प्रश्न इस प्रकार के आ चुके हैं जिसमें से ऐसा लगा है कि शेष आकृति जो बची है तो इसका मतलब इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धगोली गड्ढों का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाना है, नहीं घटाना है, क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ और इस अर्धगोली गड्ढों का वक्रपृष्ठ हमें जोड़ देना है, ठीक है, तब हमारा जो शेष आकृति बचेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। मतलब ये तो चारों तरफ वाला हो गया और ये इतना, क्योंकि ये आपका जो आधार में वृत्त था वो वृत्त ना होके गड्ढा बन गया अर्धगोलीकार, है ना, तो इस अर्धगोली गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोली गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दोनों को जोड़ देना है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, देखो जो वस्तु है इसका नाम इन्होंने वस्तु दे दिया है ना, तो हम भी वस्तु लिख देते हैं, तो देखो लिखें बनी, जो बनी ये वस्तु है, चलो वस्तु लिख दें सीधा, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्ध गोलीय गड्ढों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक बराबर। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ तो आपको पता ही है कितना 2πRh प्लस, अब ये देखिए दोनों अर्धगोली है ना, तो दोनों अर्धगोली गड्ढे हैं इसलिए 2 का 2 गुणा कर दिया, इसलिए कि 2 अर्धगोली गड्ढे हैं और एक अर्धगोली गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR², ठीक है, क्लियर। तो को आर तो जो इसकी आर है वही बेलन की आर है, तो आर तो डिफर नहीं है, एक ही है,
बराबर। अब यहां से दोनों जगह से आप चाहें तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। देखो चाहो तो यहां पर पहले मान भरो फिर इसके बाद हल करें, या पहले इसी को हल कर लें बाद में मान भर देंगे आर और एच की, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर देखो 2 पाई आर कॉमन में चला जाएगा तो एच बचेगा, प्लस यहां से देखो 2 पाई आर चला जाएगा, एक आर बचेगा और ये 2 मानी 2 आर बचेगा। ठीक है, बस अब मान रख देते हैं। देखो 2 पाई का मान लिख दें 22/7 और आर का मान आपको लिखना है 3.5 ब्रैकेट में एच, एच मानी 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है बेलन की, प्लस 2 × r का मान लिखना है 3.5। ठीक है, बस हो गया काम। कैसे, देखो एक लाइन बस केवल और बढ़ानी है, 7 से इसको कैंसिल करोगे 0.5 बार, 7×5 = 35, 0.5 बार, ठीक है ना। और 2 का इस 0.5 में गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 का मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे 1 हो जाएगा, मतलब 22 × 1। देखो ध्यान दें 2 का गुणा 0.5 में कितना होगा 1, और ये 22 यूं का त्यों ब्रैकेट में आ जाओ तो ये आपका लिखा है 10 + 35 × 70 मानी 7.0 मानी 7 हो जाएगा। अब 10 × 7 = 17 हो गया, तो आपको यहां लिखना है 22 × 17, बस आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा तो वो 17 × 34 और 17 × 34 और 3 × 37 374 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये आपकी जो शेष आकृति बची थी ये वस्तु नाम इन्होंने दिया है तो हम भी वस्तु कह देते हैं, जो वस्तु शेष है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 374 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज के एक एक करके हमने सारे सवाल आपके कंप्लीट करवाए और मुझे उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आ गए हो। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हर समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।